किसी मामले पर किसी विषय में ये याचिका खारिज हुई होगी जिला अदालत से, इसके बाद हम लोगों के पास बहुत सारे विकल्प हैं। हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन हमारी याचिका कभी खारिज होने से हमारा पक्ष कमज़ोर होने वाला नहीं है। वो ज्ञानवापी था, ज्ञानवापी है, ज्ञानवापी रहेगा और हम उसे प्राप्त करके रहेंगे। नहीं, खुशी और गम का ये माहौल ही नहीं है, कानूनी लड़ाई है। कभी कभी किसी बात पर कुछ छूट जाता है, कुछ वीक हो जाता है, इस कारण से कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर कोई कमी आ जाती है। तो ऐसा आ जाने से इतने नहीं, यह नहीं समझना चाहिए कि हिंदू पक्ष की हार हुई है। हम आशावादी हैं और निश्चित रूप से संघर्षवादी हैं। हम लोग जिस तरह से रामलला के पक्ष में भी बहुत बार मामले आए गए, यहाँ वहाँ सब कुछ हुआ, लेकिन अंत में रामलला के पक्ष में फैसला आया, उसी प्रकार से ज्ञानवापी के मामले में भी हिंदू पक्ष की विजय होगी और निश्चित रूप से हम सब लोग उसको प्राप्त करके रहेंगे। हिंदू समाज न्याय के लिए उपेक्षित है, निरंतर अपमानित किया जा रहा है, हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाई जा रही है। न्याय प्रणाली व्यवस्था को यह समझना चाहिए कि अटकाने, भटकाने और लटकाने से कुछ होने वाला नहीं है और हिंदू आस्था इससे और पौड़ और मजबूत होगी। और मैं मानता हूं कि इसके आधार पर हम हाई कोर्ट जाएंगे और जो याचिका खारिज हुई है इसको हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और वहां से हम जीत कर, और जाँच को लेकर कहीं किसी प्रकार से कोई विवाद नहीं होना चाहिए। जाँच एक ऐसी विषय है, सर्वेक्षण, ASI सर्वेक्षण, जो पुरातत्व विभाग का सर्वेक्षण होना, एक ऐसा विषय है जो सभी को निष्पक्ष रूप से न्याय दिलाने में काम करता है। हमने देखा कि कैसे राम मंदिर में जांच के आधार पर ही प्रभु राम को जन्मभूमि में जो निर्णय आया था वह निर्णय आया था, वैसे ही ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ में भी, जो भगवान ज्ञानवापी में विश्वेश्वरनाथ महादेव विराजमान है, उनका भी फैसला आएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। यह सिर्फ अटकाना, भटकाना, लटकाना हो गया है और इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, कदापि भी नहीं फर्क पड़ता है। निश्चित रूप से बनारस उष्णव डिवीजन कोर्ट से जो फैसला आया है निश्चित रूप से चौंका देने वाली है, चमका देने वाली है। निश्चित रूप से प्रथम दृष्टया देखते हुए प्रार्थना पत्र को खारिज करना यह हास्यास्पद है, दुखद है, चिंतनीय है। उनको इस पर जो है गहराई से चिंतन करना चाहिए कि यह प्रार्थना पत्र क्यों दिया गया है, इससे क्या निकलेगा। और सर्वेक्षण से, जाँच से स्पष्टतया वह सिद्ध हो जाता है कि सत्यम सीधम सुंदरम, शिव ही सत्य हैं और सुंदर हैं। इससे स्नातनी घबराने वाले नहीं हैं। स्नातनी को अटकाना, भटकाना, इससे जो है वादों को लंबित करना, इससे निश्चित रूप से यह स्नातनी घबराएगा नहीं और आगे जा करके हाईकोर्ट का जो है दरवाज़ा खटखटाएगा। या हाईकोर्ट के आदेश का भी अवमानना है, उनका भी यह जो है अपमान ही कहा जाए, क्योंकि सर्वेक्षण से स्पष्टतया निश्चित रूप से आ जाता कि वहाँ शिवलिंग ही हैं। और जांच से स्पष्ट आ जाता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। इस पर जो उनका जो है तर्क जो है वह नितांत हास्यास्पद था और नितांत असत था, वह गुमराह करके यह प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है। आगे जाया जाएगा और भगवान की कृपा से भगवान शिव के पक्ष में ही फैसला आएगा, जो शिव अनादि हैं, सत्य हैं, सुंदर हैं।